तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि पुरुषों को तीन काम करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, आ जाइए, समय को खराब न करते हुए प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। एक पुरुष को कभी भी तीन काम करते समय कभी भी नहीं शर्माना चाहिए। जो ये तीन काम करने में शर्माता है वो जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कि स्त्री से प्रेम करते समय पर या शारीरिक संबंध बनाते समय पर कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। दोनों पति पत्नी को बड़े ही प्रेम भाव से रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रेम में खो करके जीवन यापन करना चाहिए। जिन लोगों के बीच में शर्म रहती है या जो लोग प्रेम करते समय एक दूसरे से शर्माते हैं, तो निश्चित ही उनके जीवन में या तो दूसरा पुरुष या फिर दूसरी महिला आ जाती है। इसलिए पति पत्नी के बीच में हमेशा मधुर संबंध रहने चाहिए और अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा काम बताया कि कभी खाना खाते समय पर व्यक्ति को खाना छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आधा खाना नहीं खाना चाहिए, पेट भरकर ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि भूखे व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है और जब दिमाग में क्रोध आता है तो अच्छे बुरे की इंसान पहचान भूल जाता है और वह हमेशा जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेता है, जिसका परिणाम उसे हमेशा गलत ही भुगतने को मिलता है। इसलिए चाहे आप रिश्तेदारी में जाएं, चाहे आप अपने घर पे भोजन करें, चाहे किसी कार्यक्रम में जाकर के भोजन करें, आप हमेशा भोजन पेट भर के ही करें। और जब आप अपनी पत्नी के साथ भोजन करें तो बड़े ही लगाव के साथ भोजन करें, बड़े ही प्रेम के साथ भोजन करें। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में एक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा काम बताया, यदि कभी भी आप किसी विद्वान पुरुष से या कभी अपने गुरु से ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं तो आपको पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान का व्यक्ति कभी किसी काम का नहीं होता है। इसलिए उसे अपने मन की बात कहने में कभी संकोच नहीं करनी चाहिए। यदि उसके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने गुरु के सामने खड़े होकर के उसे निसंकोच अपनी बात कहनी चाहिए और उसे अपने हर प्रश्न का समाधान कर लेना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो सकें। और दोस्तों, अंत में एक ऐसी बात बताई जो जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। कभी भी यदि आप किसी को पैसा उधार दे दें तो अपना दिया हुआ दूसरों को धन मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब किसी को अपना पैसा उधार दे देते हैं और वो वापस करने में विलंब करता है तो वो स्वयं ही अपना दिया हुआ पैसा मांगने में शर्म करते हैं और वो पैसा नहीं मांग पाते हैं। दोस्तों, जो अपना दिया हुआ पैसा नहीं मांग पाता है और वो शर्म करता है तो निश्चित ही वो गरीब हो जाता है और माया उसके पास से दूर चली जाती है, वह कभी धनवान नहीं हो पाता। इसलिए दूसरों को उधार दिया हुआ पैसा निसंकोच मांग लेना चाहिए, बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन हमेशा सुख में व्यतीत होगा, उसको कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए कभी ये तीन काम करते समय व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शर्म करते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और जो शर्म नहीं करते हैं वो अपने जीवन को आबाद कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।